सबसे पहले आप साइट पे मेरा फोन स्क्रीन देखो, यहाँ पे देखो यार कुछ मूवीज को मैंने अपलोड किया है, आप उसके साइट पे डॉलर और व्यूज देख सकते हो। यहाँ देखो यार 53 के व्यूज पे $4, और इसका मैं आप लोगों को दिखाता हूँ सारा कुछ, मैं आज किस वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा कि यार कितने व्यूज पे मतलब कितना ज्यादा डॉलर मिल रहा है और मूवी क्लिप्स मेरा वायरल हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखो इस वीडियो पे $4.36 यहाँ पे मिल चुका है, एंड इस पे जो व्यूज आया सारा कुछ आप नीचे में देख सकते हो, ठीक है। तो चलो मैं इसका दिखाता हूँ लास्ट 1 डे का और 7 डे का अर्निंग, ठीक है। लास्ट 7 डेज का देखो $11, और 2 डे का अर्निंग अभी अर्निंग हो ही रहा है, ठीक है, अभी व्यूज धीरे धीरे आएंगे। और लास्ट 14 डेज का अर्निंग देखो $14 अर्निंग हो गया, ठीक है। और लास्ट 28 दिन का देख सकते हो $142 यहाँ पे हो चुके हैं, ठीक है, जो कि गाइस मूवी क्लिप्स को अपलोड करके किया गया। और कैसे मूवी क्लिप्स को आप वायरल करोगे, लाइक कैसे अपलोड करते, आज की इस वीडियो में आप लोगों को सारा कुछ मैं बताऊंगा। लाइक मैं ये भी बताऊंगा कि कैसे आप लोगों को पेज क्रिएट करना है, कैसे मूवी क्लिप्स लेना है, कैसे अपलोड करना है, और कैसे उस पे व्यूज लाना है, सारा कुछ मैं बताऊंगा। और कैसे आप व्यूज लाओगे वो भी बताऊंगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद सभी का मूवी क्लिप्स वायरल होने वाला है, ये मेरा 100% वादा है, क्योंकि आज की इस वीडियो में कुछ अलग तरीका मैं बताने वाला हूं, एंड अगर वो सब तरीकों को फॉलो करोगे तो आपका भी मूवी क्लिप्स वायरल होगा, एंड आप भी मूवी क्लिप्स से अच्छा खासा डॉलर बना पाओगे, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में बनाने में बहुत ज्यादा यार मेहनत लगा है, तो आप लोगों से गाइस रिक्वेस्ट है कि एक लाइक प्लीज जरूर से कर देना, एंड मेरे चैनल पे नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लेना। तो चलो यार फटाफट से करते हैं वीडियो को स्टार्ट, एंड बात करते हैं कि कैसे आप लोग को पेज बनाना है, कैसे मूवी क्लिप्स लेना है, लाइक कैसे उसको एडिटिंग करना है, क्योंकि एडिटिंग हमारा बहुत ही जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर आप अच्छे से एडिटिंग करोगे तभी आपके मूवी क्लिप्स से कॉपीराइट और ना ही कुछ प्रॉब्लम देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो चलो यार फटाफट से करते हैं वीडियो को स्टार्ट, एंड बात करते हैं कैसे आप सारे चीज को करोगे, एंड कैसे यहाँ से अर्निंग को स्टार्ट कर पाओगे, ठीक है। तो चलो यार करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो गाइस सबसे पहले तो आप लोगों को मूवी क्लिप्स अपलोड करने के लिए सबसे पहले एक न्यू और फ्रेश पेज बनाना होगा, ठीक है, जिसपे कोई भी वायलेशन ना हो, ना ही आपके पेज पे कोई भी दिक्कत हो, ठीक है। तो वो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, न्यू पेज बनाना है। न्यू पेज बनाने के लिए क्या करना होगा, देखो सबसे पहले आप साइट पे फोन स्क्रीन एंड फेसबुक को मैं ओपन करता हूँ, लाइक जैसे ही फेसबुक को ओपन करता हूँ 3 डॉट का ऑप्शन पे जाता हूँ, एंड पेज पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, क्रिएट पे क्लिक करता हूँ। जस्ट क्रिएट पे क्लिक करने के बाद जो भी अपना पेज का नाम रखना है, मतलब पेज का आप क्या नाम रखना चाहते तो वो नाम आप यहां पे लिख देना, ठीक है। जैसे पेज नेम पे मैं कुछ नहीं करता हूं, यहां पे न्यू मूवी लिख देता हूं, ठीक है। मैं अपना पेज का नेम जो रखना चाहता हूं न्यू मूवी करके रखना चाहता हूं, उस पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूं। जस्ट नेक्स्ट पे क्लिक करने यहां पे आपको बोला जा रहा है कि कौन सा कैटेगरी रखना चाहते हो अपने पेज की, ठीक है। तो पेज का मैं कैटेगरी रखना चाहता हूं गेमिंग, ठीक है। जो जो मैं कर रहा हूं सेम इसी तरीके को फॉलो करना है, तभी आपके मूवी वायरल हो पाएंगे, ठीक है। तो गेमिंग वीडियो क्रिएटर हम लोगों ने यहां पे रख दिया, जस्ट क्रिएट पे क्लिक कर देता हूं। क्रिएट पे लाइक जैसे ही क्लिक में किया गया तो यहां पे हमारा लोडिंग हो रहा है, क्रिएट हो रहा है, ठीक है। जैसे ही क्रिएट हो जाता है इसके बाद आपको क्या चीज फॉलो करना है, यहां पे आप लोग देखो यहां पर सारा कुछ आ चुका है। ये सब आप फील करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई ये सब चीज को फील करना होता है। देखो यार फील करना कब इंपॉर्टेंट होता है, जब आपका ओरिजिनल क्रिएटर हो और आपका खुद का वीडियो, तब ये सब फील करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो तो ये सब फील करना कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं होता है, आप लिखो चाहे ना लिखो कोई भी मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो चलो मैं इसको स्किप कर देके नेक्स्ट कर देता हूं, ठीक है। लाइक जैसे ही नेक्स्ट करता हूं तो यहाँ पे हमारा बोला जा रहा है कि आप अपना थंबनेल या बैनर या फिर लोगो लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, मेरे को ये सब कुछ नहीं लगाना है। एडिट एक्शन बटन, तो एडिट एक्शन बटन पे आता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को देखो कौन सा एक्शन बटन मैसेज का ऑलरेडी हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ छेड़छाड़ मैं नहीं करता हूं, नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। लाइक जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे बोला जा रहा है कि अपने पेज पे फोन नंबर आप ऐड करना चाहते हो, तो ये भी नहीं करना है मेरे को, इसको भी स्किप कर देता हूँ। लाइक यहाँ पे कुछ जा रहा है फ्रेंड लोगों के पास ऑडियंस, ठीक है। तो यहाँ पे सारा कुछ को नेक्स्ट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो नेक्स्ट, इस पे भी नेक्स्ट कर देना। तो यहाँ पे अब हमारा जो पेज रहेगा वो क्रिएट होके रेडी हो जाएगा। पेज बनाने में भी बहुत ही ज्यादा आसान है, और देखो न्यू मूवी करके हमारा पेज यहाँ पे बन चुका है, एंड इस पे सारा कुछ देख सकते हो एकदम से न्यू है, ठीक है। सी डैशबोर्ड पे जाता हूं तो यहाँ पे दिखा देता हूँ सारा कुछ। यहाँ पे हमारा जीरो है, देख सकते हो जीरो रीच जीरो, सारा कुछ। नेट फॉलोअर भी हमारा जीरो है, ठीक है। एंड नीचे आता हूँ एंड मोनेटाइजेशन पे लाइक क्लिक करता हूँ। जैसे ही मोनेटाइजेशन पे आता हूँ तो यहाँ पे देखो सारा टूल्स मेरा मोनेटाइज नहीं है कुछ भी, मतलब अभी जस्ट यार पेज ही क्रिएट किया हूं और कोई भी इस पे वायलेशन नहीं है। देखो सारा कुछ, मतलब सारा कुछ रॉन्ग है और सारा कुछ सही है, ठीक है। तो इसका वायलेशन आप लोगों को चेक करवा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं इसके 3 डॉट के ऑप्शन पे जाऊंगा,
फिक्शनल डैशबोर्ड पे आ जाता हूँ, लाइक जैसे मैं प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे आता हूँ एंड पेज रिकमेंडेशन आप लोगों को दिखा देता हूँ, देख सकते हो पेज रिकमेंडेशन भी है और पेज इशू में कोई भी इशू नहीं है मेरे पेज पे, ठीक है। एंड यहाँ से देख सकते हो मैनेज एडमिन, यहाँ पे पेज इशू पे सारा कुछ आप देख सकते हो, कोई भी अभी ये पेज एकदम से न्यू और एकदम से फ्रेश पेज ये है। एंड इस पेज पे अभी हम लोग क्या करेंगे कि मूवी क्लिप्स को डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद उसको एडिटिंग करेंगे, ठीक है। एडिटिंग आप लोग अच्छे से देखना है। एंड उसके बाद हमारा जरूरी काम क्या आ जाता है कि इसको हम वायरल कैसे करेंगे। लाइक अब बहुत लोग के मन में तो डाउट यही रहता होगा कि भाई मैंने एडिटिंग भी सीख लिया, अपना पेज भी मेरा कोई भी दिक्कत नहीं है, तब भी मैं अगर मूवीज को वायरल मतलब पोस्ट करता हूँ तो व्यूज उस पर नहीं जाते और ना ही वो वायरल होता है, ठीक है। मैं बहुत दिनों से यार ट्राई कर रहा हूँ, मेरा तब भी ये वायरल नहीं हो पा रहा है, तो मैं कैसे करूंगा वायरल, ठीक है। तो सारा चीज का मैं सोल्यूशन आज की इस वीडियो में लाया हूं, तो आप लोग फिकर मत करना एंड सारा कुछ मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं, ठीक है। तो चलो यार जैसे कि यहां पे क्या करता हूं, देखो आप लोग हमारा अब काम आ जाता है कि मूवी कैसे लेंगे, ठीक है। तो मूवी लेने के लिए यहां पे आप लोग कहीं से भी ले सकते हो, जैसे कि आप यूट्यूब से भी मूवी को ले सकते हो एंड फेसबुक से भी ले सकते हो। एंड मूवी लेने का भी कुछ तरीका होता है कि गाइस हमेशा आप लोग एक चीज को फोकस करना कि जो अभी के टाइम पे ट्रेंड चल रहा है वो मूवी को आप लो, लेकिन लेने का उसका भी एक तरीका होता है कि उस मूवी को ज्यादा टाइम मतलब उसका जो लेंथ रहता है उसको ज्यादा लेंथ नहीं रखना और मिनिमम 3 दिन के अंदर में डिलीट कर दो, ठीक है। उस पर अगर कितना भी व्यूज आ रहे हैं उसको डिलीट कर दो, 3 दिन में आप लोगों का अगर व्यूज आ जाए अच्छा खासा तो 3 दिन के अंदर ही डिलीट करो। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है। तो 3 दिन के अंदर ही आप लोगों को डिलीट कर देना, ऐसे आप ट्रेंड को अगर ना भी फॉलो करो ना तब भी मतलब ऐसे मूवी उठाना है जो मूवी अच्छा खासा चल रहा है और जो बहुत मूवी मतलब मिनिमम आप 10 से 15 साल मतलब 10-5 साल वो मूवी पुराना, उस मूवी को आप लोगों को उठाना है, ठीक है। तो यहां पे अभी मैं क्या करूंगा, अगर फेसबुक से उठाना चाहो तो फेसबुक से भी उठा सकते हो एंड यूट्यूब से उठाना चाहो तो यूट्यूब से भी उठा सकते हो। चलो मैं फेसबुक से उठा के दिखाता हूं आप लोग, ठीक है। तो यहां पे कुछ नहीं करना है, यहां पे लिखना है न्यू मूवी, ठीक है। यहां पे लिख देता हूं न्यू मूवी एंड न्यू मूवी लिखने के बाद यहां पे देखो हमारा पेज जो था वो आ गया एंड वीडियो पे आ जाता हूं एंड वीडियो पे आने के बाद यहां पे देख सकते हो बहुत सारे यार मूवी आ रहे, तो कोई भी एक मूवी पे मैं क्लिक कर साउंड को यहां पे बंद कर देता हूं, ठीक है। यहां पे देखो बहुत सारे मूवी आ रहे जिस पे यार मिलियंस में व्यूज देखने के लिए मिल जाएंगे। देखो जैसे कि 2 दिन पहले ही अपलोड किया था 1.3 मिलियन इस मूवी पे व्यूज आ चुके हैं, ठीक है। एंड नीचे आता हूं इस मूवी पे देखो 14 मिलियन व्यूज है एंड इस मूवी पे देखो 41K है, ठीक है। बाकी बात ऐसे ऐसे बहुत सारे आप लोगों को पेज मिल जाएंगे, जैसे कि मैं इसी पेज का आप लोगों को दिखाता हूं, देख सकते हो MK Games इस पेज का नेम है और इस पेज पे 1.25K फॉलोअर्स है, मतलब 1,25,000 फॉलोअर है। एंड इस वीडियो पे देखो यार कितना मतलब अच्छा खासा इस पेज पे यार व्यूज आ रहा है हर वीडियो पे यार, किसी वीडियो पे 2.4 मिलियन, किसी वीडियो पे 3.7 मिलियन और किसी वीडियो पे थोड़े कम व्यूज है, मतलब जिस तरीके का वीडियो रहता है उसी तरीके का यहाँ पे व्यूज आता है। तो आप लोगों को इस तरीके का पेज को अपने से ही ढूंढ लेना, मतलब सर्च करोगे तो ऐसे ऐसे पेज आप लोगों को बहुत सारे मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे ही मिल जाते हैं, जैसे कि मेरे को एक वीडियो पे दिखा था अच्छा खासा व्यूज, कहां गया इस वीडियो पे, 4.2 मिलियन व्यूज, ठीक है। तो इस वीडियो को मैं क्या करूंगा, इसी वीडियो को अभी डाउनलोड करूंगा एंड इसी वीडियो को ही एडिटिंग करूंगा एंड इसी वीडियो को एडिटिंग अच्छे से करके और इसी वीडियो को ही पोस्ट करूंगा और इसी वीडियो को आप लोगों को वायरल भी करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो देखो मैं कैसे करता हूँ, सबसे पहले तो आप लोगों को इसको डाउनलोड कर लेना है। देखो यार डाउनलोड करने के लिए मैं नहीं बता सकता हूँ क्योंकि यार ये यूट्यूब के खिलाफ है, ठीक है। तो यहाँ से कुछ नहीं, आप लोग ये वीडियो को डाउनलोड कर लेना, जस्ट मैं जल्दी से कर लेता हूँ डाउनलोड एंड उसके बाद मैं बताऊंगा कि कैसे आप लोग को एडिटिंग कर। तो चलो गाइस हम लोगों ने यहाँ पे वीडियो को कर लिया जस्ट डाउनलोड एंड डाउनलोड करने के बाद अब हमारा काम आ जाता है कि एडिटिंग, ठीक है। तो गाइस अब साइट पे मेरा फोन स्क्रीन देखो, मैं एडिटिंग करने के लिए VN ऐप का जरूरत लूंगा, ठीक है। आप किसी भी सॉफ्टवेयर से आसानी से एडिट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस वाला आइकन पे क्लिक करता हूँ, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर, जस्ट मूवी को डाउनलोड किया था जस्ट उसी मूवी को मैं यहाँ से ले लेता हूँ। लेने के बाद अभी देखो मैं कैसे एडिटिंग करता हूँ, इसका जो लेंथ है ये देखो इस टाइप का लेंथ है। अभी इसका सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, लेंथ, ठीक है। तो मैं देखो इस टाइप में लेंथ कर देता हूँ, 1:1 का रेशियो मैं ले लेता हूँ, ठीक है। लेने के बाद जस्ट अभी देखो मैं क्या करता हूँ, ये जो वीडियो हमारा फुल साइज का हो चुका है, देख सकते हो पूरा एकदम से इस फुल साइज का, ठीक है। एंड अभी देखो मैं इस वीडियो पे क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं कट लगाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले आगे का पार्ट को मैं खत्म कर देता हूँ, ठीक है। एंड वीडियो को मैंने कितना 8 मिनट या 9 मिनट का डाउनलोड किया था, ठीक है। एंड इस वीडियो को अभी एडिटिंग करके मैं 5 मिनट का कर दूंगा, वो कैसे करूंगा वो अभी आप देखो, ठीक है। सबसे पहले मैं इस मूवी को यहाँ पे सबसे पहले छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। छोटा करने के बाद जस्ट हाँ अब ये ठीक हो गया। सबसे इसका पीछे वाला पार्ट को मैं डिलीट कर देता हूँ, डिलीट करने अभी देखो इसका मेरे को सबसे पहले क्या लगाना है, फिल्टर इस पर, ठीक है।
तो अभी मैं फिल्टर ये लगा देता हूँ एंड इस पर थोड़ा कम कर देता हूँ, ठीक है। अब फिल्टर लगाने के बाद मेरे को इस वीडियो को थोड़ा सा मतलब स्पीड कर देना, ठीक है। अभी मैं वीडियो देखता हूँ कि कुछ हुआ तो नहीं, आवाज हुआ जिसका, हाँ इसका वीडियो अभी कुछ हुआ नहीं है, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, इस पे कट इधर उधर करना है, ठीक है। तो वो कैसे करोगे वो देखो, यहाँ सबसे पहले आप लोगों को स्पीड पे क्लिक कर देना है, इसका बीच बीच का पार्ट को आप लोगों को खत्म कर देना है, ठीक है। एंड फिर से मैं बीच बीच के पार्ट को खत्म कर देता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से करके आप लोगों को बीच बीच का पार्ट जो है कट करते रहना है, ठीक है। आप लोग जैसे ही पूरा बीच बीच के पार्ट को कट कर लोगे एंड उसके बाद आप लोगों को देखना है कि कितना आपका मिनट का वीडियो हुआ। देखो मेरा, मैंने आपको क्या बोला था, 5 मिनट का मेरे को इस वीडियो को कर देना है और ये फाइनली 5 मिनट का ही हो गया है, ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना, अभी भी आपका एडिटिंग कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी तो आपका फिल्टर लगा, स्पीड हुआ है और कट इधर उधर हुआ। अभी क्या करना है, इधर का वीडियो उठा करके इधर डाल देना, ठीक है। शुरुआती का वीडियो वैसे ही रहने देना बट इधर उधर का वीडियो इधर कर देना, ठीक है। तो अभी मैं इधर जिधर तिधर का वीडियो इधर उधर कर दिया हूं, ठीक है। अब हमारा वीडियो देखो यहां से यहां चलेगा और कहां पहुंच जाएगा, ठीक है। यहां से देखो यहां चल रहा है, अब यहां से वहां पहुंच जाएगा, उसके बाद वहां से चलेगा तो उसके बाद वहां पहुंच जाएगा। एंड प्लस के आइकन पे क्लिक करके ये ब्लैक ये सब भी लगा सकते हो, जिससे आपका वीडियो जो है थोड़ा इंगेजिंग और अच्छा दिखने लगेगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि ऑडियंस रिटेंशन भी आपके वीडियो पे अच्छा रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं एक लगा देता हूँ, ठीक है। एंड इस वीडियो को भी मैं आगे पीछे कर देता हूँ, ठीक है। लो, ठीक है, अब ये हमारा वीडियो ऐसा हम लोगों ने एडिट कर दिया कि कॉपीराइट आने का चांस ही एकदम से नहीं है, ठीक है। और आप लोगों के सामने मैं इसको अपलोड अभी करूंगा, ठीक है, और दिखाऊंगा कि मेरे वीडियो पे कॉपीराइट आया है या फिर नहीं, ठीक है। आप लोग लाइव प्रूफ देखना। तो यहाँ पे हम लोग का ये वीडियो था जो एडिट हो चुका है, ठीक है। अब क्या करना है, इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट वाले बटन पे आ जाता हूँ, ये लो हमारा वीडियो हो रहा है अब एक्सपोर्ट। एंड कुछ टाइम तक वेट करता हूँ, जस्ट इसको एक्सपोर्ट होने देता हूँ एंड उसके बाद मैं आप लोगों के सामने ही इसको पब्लिक करूंगा, मतलब अपलोड करूंगा। उसके बाद व्यूज कैसे आप लोगों को लाना है वो बताऊंगा, वो चीज को आप लोग बहुत ही ध्यान से देखना होगा, तभी आप लोग व्यूज ला सकते हो। गाइस अभी देखो ये हमारा जो वीडियो था ये एक्सपोर्ट हो चुका है, यहां पे मैं करता हूं डन, ठीक है। जस्ट डन करने के बाद अब हम लोग चलो फेसबुक पे अपलोड करते हैं, ठीक है। फेसबुक पे कैसे अपलोड करना वो बता देता हूं। सबसे पहले आप लोगों को फेसबुक को ओपन कर लेना, लाइक जैसे ही आप ओपन कर लेते हो। एंड यहाँ पे भी अपलोड देखो कैसे करना है, सबसे पहले आप लोग अपने प्रोफाइल पे मैं दिखा देता हूँ कि ये वही पेज है जो पेज मैंने आप लोगों के सामने क्रिएट किया था, न्यू मूवी करके पेज के नेम है, ठीक है। तो सबसे पहले इस पे मूवी डालने के लिए यहाँ पे फोटोज पे क्लिक करना है एंड मूवी जो आपका था वो मूवी को यहाँ से ले लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, 5 मिनट का ये मूवी था तो नेक्स्ट पे जस्ट क्लिक कर देता हूँ। एंड ये रहा हमारा मूवी, देख सकते हो यहाँ पे पूरा हम लोग का शो हो चुका है। तो अभी यहाँ पे आप लोग का आ जाता है कि टाइटल मैं क्या रखना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं टाइटल कुछ नहीं रखूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा न्यू मूवी, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ न्यू मूवी 2023, ठीक है। मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, उसके बाद लिखने के बाद यहाँ पे कुछ हैशटैग मैं डाल दूंगा, ठीक है। मूवी के रिगार्डिंग कुछ हैशटैग मैं आप लोगों के सामने डाल देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मूवी, फिर वायरल मूवी लिख देता हूँ, वायरल वीडियो लिख देता हूँ, ठीक है। सुपर हिट लिख देता हूँ, SUP, ठीक है। मैं 2 से 3 यहाँ पे हैशटैग को लगा दिया हूँ। जस्ट लगाने के बाद आप लोगों को अगर 3 से मिनिमम आप 5 हैशटैग लगा सकते हो और जितना कम हैशटैग लगाओ उतना ही सही रहेगा, 3 या सही है, ठीक है। मिनिमम 2 या 3 लगाओ सही रहेगा, ठीक है। आप ज्यादा से ज्यादा 5 लगा दो लेकिन 2-3 ही लगाओ सही रहेगा, ज्यादा हैशटैग आप लोगों को नहीं लगाना है, ठीक है। उसके बाद इतना काम करने के बाद जस्ट नेक्स्ट पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे इसको कुछ भी छेड़छाड़ आप लोगों को नहीं करना है, ठीक है। सारा कुछ रहने देना ऐसे ही। उसके बाद पब्लिक्स पे क्लिक कर देना। जस्ट जैसे ही आप पब्लिक्स क्लिक करोगे तो ये नीचे देखो आपका पोस्टिंग होने लगा है, ठीक है। जैसे ही पोस्ट होता है मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि मेरे मूवी पे अभी के टाइम पे कॉपीराइट और कोई भी प्रॉब्लम। सो गाइस अभी आप देख सकते हो यहां पे आप लोग साइड पे ये हमारा रहा था मूवी एंड इस मूवी पे देखो अभी के टाइम पे कोई भी इशू नहीं आया। मैं यहां पे स्क्रॉल करके आप लोगों को सारा कुछ दिखा देता हूं, ये रहा हमारा मूवी और ना ही इस मूवी पे कॉपीराइट और कोई भी इशू नहीं है। नोटिफिकेशन पे भी मैं दिखा देता हूं सारा कुछ आप लोग, कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है, ठीक है। एंड मूवी देखो मूवी पे कोई भी वायलेशन नहीं है और सारा कुछ मूवी सही है, ठीक है। एंड देख सकते हो मैंने जैसा आप लोगों को एडिटिंग बताया था, अगर आप वैसा एडिटिंग करोगे तो आपके मूवी पे कुछ भी वायलेशन और ना ही कुछ भी प्रॉब्लम देखने के लिए मिलेंगे। अभी हमारा मूवी हो चुका है अपलोड और इस पे अब लाना है हम लोग को व्यूज, ठीक है। व्यूज कैसे आएगा वो बता देता हूं। देखो व्यूज आना है तो आप लोगों को शेयरिंग करना होगा, अच्छे अच्छे ग्रुप पे अपने वीडियो को शेयर करना होगा तभी आपके मूवी पे व्यूज आएंगे, वरना व्यूज नहीं आएगा, ठीक है। तो यहां देखो यार मैं फेसबुक पे आ जाता हूं एंड मैंने दूसरे आईडी को यहां पे लॉग इन कर लिया, ठीक है। वो जो
आईडी था, दूसरा था ये आईडी, दूसरा है। तो अभी क्या करना, सर्च बार वाले ऑप्शन पे जाता हूँ, जस्ट मूवी यहाँ पे सर्च कर देता हूँ, एंड मूवी सर्च करने के बाद ग्रुप से आता हूँ, एंड यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारे ग्रुप देखने के लिए मिल जाएंगे। आप कोई भी ग्रुप पे अपने मूवी को शेयरिंग कर सकते हो, लेकिन हाँ वो ऑटो अप्रूवल फ्री ग्रुप होने चाहिए, तभी आप मतलब पोस्ट करोगे तभी आप लोगों को अप्रूवल मिलेगा। तो यहाँ पे मैं 144 के मेंबर वाला ग्रुप पे इस पे आ जाता हूँ, देखता हूँ, ये देखो एडमिन अप्रूवल है, ये फ्री ग्रुप नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों को ऐसे करके कुछ फ्री ग्रुप्स को ढूंढना है, और मैं बता देता हूँ कि मैं 10 से 15 फ्री ग्रुप्स को, अच्छे अच्छे ग्रुप को ढूंढ करके अपने टेलीग्राम पे डाल दिया हूँ। तो आप लोग जल्दी से जाओ, मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां से टैप करके वो 10 से 12 जो ग्रुप है सारे ग्रुप को ज्वाइन कर लो, और वो सब ग्रुप पे डालो, 100% वायरल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, 1.8 के मेंबर है, एंड इस पेज पे देखता हूँ, ये देखो क्रिएट ए पब्लिक पोस्ट, मतलब ये फ्री ग्रुप है, ठीक है। तो इस पे क्या करना है, मेरे को वो लिंक को मैंने कॉपी किया था, जस्ट वो लिंक को डालना है, एंड इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है, लिंक को हटा देता हूँ। लिंक को हटाने के बाद पोस्ट पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। जस्ट जैसे मैं पोस्ट पे क्लिक करूंगा, ये देखो पोस्टिंग हो रहा है, और ये लो पोस्ट हो चुका है, ये रहा था हमारा मूवी, एंड ये मूवी, एंड देख लो ये न्यू मूवी करके मैंने पेज बनाया था, और जस्ट मैंने इसको अभी अपलोड कर दिया, और ये अपलोड भी हो गया, ठीक है। ऐसे कर करके आप लोगों को 10 से 15 ग्रुप में अपने मूवी को डाल देना है, ठीक है। जैसे ही आप 10 से 15 ग्रुप पे डाल दोगे, जस्ट आप लोगों को धीरे धीरे करके व्यूज आना स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब जितने जितने बड़े बड़े ग्रुप से डालोगे उतना ज्यादा मेंबर रहेगा, और उतना जल्दी आप लोगों के व्यूज आने का चांस रहेगा। इस तरह करके आप लोगों को डेली 2 मूवीज डालना है, और पूरे मतलब 10 से 15 दिनों तक आप लोग डालते रहो, ठीक है। देखना 100% 10 से 15 दिन के अंदर में अगर एक भी मूवी वायरल हो गया तो क्या होगा, धीरे धीरे सारे मूवी आपके वायरल होने लगेंगे, ठीक है। ये नहीं कि आप लोग 2 दिन 4 दिन मेहनत की है और व्यूज नहीं आया, तो ऐसा नहीं होता है। आप लोगों को मेहनत करते रहना होगा कि 1-2 दिन में, जैसे कि मैंने वीडियो को भी डाला और व्यूज आने लगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। बहुत सारे लोग बताते हैं कि भाई वीडियो डालते ही व्यूज आने लगते, तो ऐसा नहीं होता है। आपको पेशेंस रखना पड़ता है और मेहनत करते रहना, ठीक है। और 10 से 15 दिनों तक डालते रहो, अगर कोई भी एक मूवी पे व्यूज आ ही जाते हैं, ठीक है। और मेरा, मैंने अभी तक जितने भी पेजेस पे काम किया, 4 से 5 दिन में काम करता हूं, मेरा कोई एक मूवी वायरल हो जाता है, और धीरे धीरे करके सारे मूवी पे व्यूज आने लगता है, और फिर अपलोड करता हूं तो फिर मिलियंस में व्यूज आने लगते। देखो व्यूज आते हैं ऐसे ही, ठीक है। ये नहीं कि मूवी डाले और व्यूज आने लगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। आप लोगों को थोड़ा अपने अंदर में पैसेंस रखने पड़ते हैं और अच्छे से काम करना पड़ता है, तभी आपके मूवी पे व्यूज आएंगे, और तभी आएंगे, ठीक है। ये नहीं कि कोई बोलते हैं मूवी डालो यार तुरंत व्यूज आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो मैंने जो तरीका आप लोगों को बताया, सारा कुछ जेन्युइन था और सारा कुछ रियल था, और मैं आप लोगों को बता देता हूं कि अगर इस तरीके से आप लोग काम करोगे ना, तो 100% आपका मूवी भी वायरल होगा, और ना ही आपके मूवी पे कोई भी इशू और कॉपीराइट नहीं देखने के लिए मिलेगा, और आप अर्निंग भी कर पाओगे, ठीक है। तो चलो गाइस, आई होप ये मेरा वीडियो आप लोगों को ज्यादा ज्यादा पसंद आया हो, और मैंने सब कुछ आप लोगों को बता दिया, पेज कैसे क्रिएट करना है, कैसे डाउनलोड करना है, कैसे आप लोग एडिटिंग, कैसे अपने वीडियो को व्यूज लाना है, मतलब वीडियो पे कैसे व्यूज लाना है, कैसे वायरल करना है, ठीक है। तो सारा कुछ मैंने अच्छे से बता दिया, तो आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो प्लीज एक लाइक कर देना, एंड मेरे चैनल पर नए हो तो यार चैनल को आप जरूर से सब्सक्राइब कर देना, साथ ही में आप बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर सेट कर देना। चलो बाय बाय, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।